अगस्त 2016 की बात है, तो जस्ट डायल उस समय 485 पे चल रहा था 3 बजे, एंड मैंने जस्ट डायल की 500 की कॉल ऑप्शन जो लगभग 50 पैसे के आसपास थी, उसको हेवी क्वांटिटी में सेल किया। मेरे पास लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा क्वांटिटी थी, एंड मेरी एनालिसिस ये थी कि अगर जस्ट डायल अगले 15 मिनट तक 500 के नीचे रहता है तो मुझे 1.5 लाख का प्रॉफिट होगा, एंड मेरी एनालिसिस राइट भी हुई, एंड 3:19 पर मेरी स्क्रीन पे था 1.5 लाख का प्रॉफिट। लेकिन 3:20 पर मैं स्क्रीन पे क्या देखता हूँ, 18.5 लाख का लॉस, 1 मिनट में 20 लाख का लॉस। मुझे तो समझ में ही नहीं आया क्या हुआ और ऐसा हो भी कैसे सकता है, बिकॉज जस्ट डायल तो 485 पर ही था। तो मुझे लगा ये ब्रोकर की कोई गलती है, उनसे कुछ M2M एरर हो गया है। तो मैंने जीरोदा को ईमेल लिखा कि आई थिंक आपके PNL में कुछ एरर है, प्लीज इसे करेक्ट कीजिए, मुझे 1 मिनट में 20 लाख का लॉस कैसे हो सकता है। तो उनका रिप्लाई आया, ये कोई M2M एरर नहीं है, आपको सच में 20 लाख का लॉस हुआ है। एंड उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया कि आपकी क्वांटिटी इंट्राडे थी तो 3:19 पे ऑटो स्क्वेयर ऑफ हो गई, पर आपकी क्वांटिटी इतनी बड़ी थी कि जब हमने ऑटो स्क्वेयर ऑफ किया तो आपका जो स्क्वेयर ऑफ था 10 पैसे से एवरेज 7 रुपए तक स्क्वेयर ऑफ हुआ, एंड इसलिए आपको 20 लाख तक का लॉस हुआ। मैं तो ये रिप्लाई देखकर शॉक में आ गया। उस दिन एक चीज समझ में आ गई, चाहे किसी भी ट्रेड पर कितना भी कन्विक्शन क्यों ना हो, रिस्क मैनेजमेंट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट।